जैसी आज गई लाश है। चप्पे चप्पे पे नजर रखने के लिए सीसी कैमरा भी लग चुका है यहाँ पे। यहाँ पे देखा जाए तो वॉच टावर भी बन चुका। हेलो गाइस, मैं अफजल आपका भाई आपके साथ में, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बहुत तो इंतजार बिहार यूपी और झारखंड वाले तो बहुत बेसब्री से कर ही रहे थे, तो आज वो घड़ी आ चुकी है क्योंकि भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए आज वक्त हो चुका है। तो किस तरीके से शाम में संगम घाट जहानाबाद में अर्घ दी जाएगी वो भी आपको दिखलाएंगे। अभी फिलहाल तैयारी आपको दिखला देते हैं कि किस तरीके से जहानाबाद संगम घाट पे तैयारी की गई है। अगर भाई को अभी तक फॉलो नहीं किए इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर ले, अगर फेसबुक पेज को देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। चप्पे चप्पे पे नजर रखने के लिए सीसी कैमरा भी लग चुका है यहाँ पे। यहाँ पे देखा जाए तो वॉच टावर भी बन चुका है। चलिए संगम घाट पे भी आपको लेके चलते हैं, क्या कुछ तैयारी की गई है नगर परिषद और जिला प्रशासन के द्वारा वो भी आपको हम दिखलाते हैं। और मिथिला पेंटिंग करीब करीब कंप्लीट हो ही गई है, बस थोड़ी सी और बाकी है या हो चुकी है वो भी लोकेशन पे जाके देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हो गई है। देखा जाए तो पूरा घाट कंप्लीट हो चुकी है और पूरी तरीके से साफ सुथरा, नई फ्रेश पानी भी डला चुकी है घाट पे। तो क्या कुछ है वो तो आपको दिखला ही रहे अपडेट में, और तमाम अपडेट तो दे ही रहे। अगर पूरा अपडेट आप नहीं देखे तो ऊपर लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो क्या कुछ तैयारी की गई है नगर परिषद और जिला प्रशासन के द्वारा वो भी आपको हम दिखला रहे हैं। अभी ब्रिकेटिंग होनी बाकी है, देख सकते हैं कहीं कहीं पे बांस लगा हुआ और ये बांस इंस्टॉल हो जाएगी वहां पे कि उससे आगे नहीं जाना कि गहरा पानी हो सकता है, इसीलिए ब्रिकेटिंग जिला प्रशासन कर रखी है। तो क्या कुछ है अपडेट वो आपको हम दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे की होते, यहाँ पे लाइट इंस्टॉल किया जा रहा है और किस तरीके से यहाँ पे वो भी आपको हम दिखला रहे हैं। प्रॉपर टाइप से आपको पूरी चीज आपको दिखला रहे हैं संगम घाट से, कितनी खूबसूरत घाट लग रही है देख सकते हैं। सज धस के तैयार हुआ संगम घाट जहानाबाद के, तो आज ही आएंगे भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए छठ व्रती। तो क्या कुछ है अपडेट तो वो तो आपको दे ही रहे। तो अभी तक फिलहाल देखा जाए तो सब कुछ तो हो ही गया, बट सिर्फ चेंजिंग रूम नहीं बनी है, वो भी सुनने में आ रहा है कि बंद के रखा गया है, सिर्फ स्टॉल होना बाकी है, तो वो भी बहुत जल्द स्टॉल हो जाएगा। तो क्या कुछ है यहाँ पे अपडेट वो आपको हम दे रहे हैं। यही से जिला प्रशासन नजर रखेंगे कि निरीक्षण कक्ष बन चुका है और यहाँ पे क्या कुछ स्टॉल होना, क्या क्या अपडेट होना वो आपको हम दिखला रहे हैं। तो क्या कुछ है तमाम अपडेट दे ही रहे हैं। तो चलिए वीडियो में और बने रहिए। यहाँ पे भगवान शंकर की पेंटिंग हो रही है और किस तरीके से यहाँ पे कला का प्रदर्शन किया गया वो दिखला रहा है। लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे संगम घाट पे काम हो रही है। संगम घाट पे ब्रिकेटिंग कर दी जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा, क्या कुछ है अपडेट वो तो आपको हम दिखला ही रहे हैं। तो क्या कुछ तैयारी की जा रही है संगम घाट पे वो भी आपको हम दिखला रहे हैं। तो वर्कर लोग यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी आपको दिखला रहे हैं। ब्रिकेटेड यहाँ पे की गई है और इससे आगे जो है ज्यादा पानी, इसीलिए ब्रिकेटेड किया गया है कि छठ व्रती को कोई दिक्कत ना हो। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दो, वाले के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। आपका भाई मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।